हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जिमित और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है सिविल टेक्नोलॉजी में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि वेट बैचिंग और वॉल्यूमेट्रिक बैचिंग में डिफरेंस क्या है, बिकॉज ये जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग करता है, स्पेशली साइट इंजीनियर को, कि वेट बैचिंग कब करना चाहिए, वॉल्यूमेट्रिक बैचिंग कब करना चाहिए, इसका इफेक्ट क्या गिरता है कॉन्क्रीट की क्वालिटी के ऊपर और उसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर। सो ये बेसिकली हर एक साइट इंजीनियर को पता होना चाहिए, बिकॉज किसी भी साइट हो, किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन हो, वहाँ पे आपको कंक्रीट का यूज़ तो करना ही रहता है। सो उस केस में ये काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है कि आप किस प्रकार का बैचिंग प्रोसेस वहाँ पे यूज करते हो। सो इसलिए आज इसके बारे में डिटेल में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस पर आज देखते हैं। सो दोस्तों, जैसे कि हमको पता है कि जैसे मिक्स डिज़ाइन आ गया कंक्रीट का, उसके बाद सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है बैचिंग का। सो बैचिंग, अगर जिसको नहीं पता उनको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि बैचिंग का मीनिंग होता है जो कोई भी आपके इंग्रेडिएंट्स है जो कंक्रीट में लगने वाले हैं उसको प्रॉपरली मेज़र करना और प्रॉपरली कंबाइन करके एक यूनिफॉर्म मिक्स तैयार करना, यूनिफॉर्म मिक्सचर तैयार करना, ताकि आपका जो कंक्रीट है वो यूनिफॉर्म क्वालिटी दे सके हर बैच में। सो ये एक शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया कि बैचिंग क्या होता है। सो इसकी मेनली दो मेथड्स है, फर्स्ट है वेट बैचिंग एंड सेकंड है वॉल्यूमेट्रिक बैचिंग। इसके डिटेल में हम किसी और दिन जानेंगे, बट आज इसका डिफरेंस कर लेते हैं कि इन दोनों का इफेक्ट क्या गिरता है कंक्रीट की क्वालिटी एंड प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। तो सबसे पहला है कि वेट बैचिंग है, जिसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स है आपके, जैसे कि कोस एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, सीमेंट, सैंड, वाटर, एवरीथिंग। सो ये सारे मटेरियल्स वेट के हिसाब से मेज़र किए जाते हैं, मतलब उनका वेट लिया जाता है और अकॉर्डिंगली उसको कंबाइन किया जाता है। और जबकि वॉल्यूमेट्रिक बैचिंग में क्या होता है, हर एक मटेरियल वॉल्यूम बेसिस पे लिया जाता है। मींस अगर आपका सैंड रहा सपोजिंगली तो वो मीटर क्यूब में लिया जाएगा वॉल्यूमेट्रिक बैचिंग में, और अगर वेट बैचिंग के हिसाब से लोगे तो वो आपका केजी में आएगा। तो लाइकवाइज आप हर एक इंग्रेडिएंट्स उस हिसाब से वहाँ पे लोगे। तो ये पहला डिफरेंस है जो काफ़ी बेसिक है। सेकंड है जो वेट बेचिंग है, उसके लिए आपको वेट बेचिंग मशीन या प्लांट की ज़रूरत रहती है, उसके बेस पे आप वेट बेचिंग कर सकते हो। बिकॉज साइड पे अगर आप वेट करना चाहते हो नॉर्मली, तो आपके पास वैसे इक्विपमेंट नहीं रहते, उतना स्पेस नहीं रहता कि आप वहाँ पे विदाउट एनी मशीनरी वेट बेचिंग कर पाओ। तो उसके लिए नॉर्मली जो प्लांट यूज़ किए जाते हैं वो है RMC, रेडीमिक्स कॉन्क्रीट, जो है वहाँ पे जो बेचिंग प्लांट होते हैं वहाँ पे प्रॉपरली वेट बेचिंग किया जाता है, प्रॉपरली वहाँ पे कंप्यूटराइज बेचिंग सिस्टम होती है और उसकी मदद से वेट बेचिंग किया जाता है। अगर साइट आपकी काफ़ी बड़ी हो तो वहाँ पे भी आप इस प्रकार की मशीनरी इंस्टॉल कर सकते हो। ऑन द अदर हैंड, अगर वॉल्यूमेट्रिक बेचिंग रहा तो वहाँ पे आपको कोई मशीनरी की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आपके कुछ बॉक्स गजिस होती है उसका आप यूज़ कर सकते हो वॉल्यूमेट्रिक बेचिंग के लिए। और अगर आपका बहुत स्मॉल वर्क रहता है, बहुत छोटा सा वर्क रहता है, तो वहाँ पे आप गमेलास करके आता है साइड पे, इसको गमेला बोला जाता है, वो गमेलास का आप यूज़ कर सकते हो वॉल्यूमेट्रिक बेचिंग के लिए। कुछ इमेजेस मैं आपको दिखा देता हूँ तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये जो मशीनरी इस प्रकार की रहती है, ये आपको जो ऑरेंज कलर में दिख रहा है वो ऑरेंज कलर, ये वेट बेचिंग प्लांट है, राइट। और ये अदर है जो दूसरे पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। सो मेनली ये जो ऑरेंज कलर में है वो आपको वेट बेचिंग मशीनरी है जिसका आप यूज़ करते हो वेट बेचिंग के लिए। और हाँ, ये रहे आपके बॉक्स गजिस, इसको गमेला भी बोला जाता है, तो इसका यूज़ किया जाता है वॉल्यूमेट्रिक बेचिंग के लिए। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि अगर सैंड रहा तो इसमें सैंड भी आप पुट कर सकते हो, एग्रीगेट भी पुट कर सकते हो, और कोई भी मटेरियल रहा आप इसमें पुट कर सकते हो। थर्ड पॉइंट है कि आपका जो वेट बैचिंग है वो काफ़ी अच्छी
यूनिफॉर्मिटी देता है, मतलब जो कॉन्क्रीट प्रिपेयर होके आता है वेट बेचिंग के थ्रू उसकी क्वालिटी हाईएस्ट क्वालिटी को होती है कंपेयर टू वॉलमेटिक बेचिंग। वॉलमेटिक बेचिंग में क्या होता है, वहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं जिसकी वजह से आप उसकी क्वालिटी प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर पाते। हर बैच में आपकी क्वालिटी थोड़ी बहुत तो डिफरेंस हो ही जाती है। तो ये एक मेन डिसएडवांटेज है वॉल्यूमेट्रिक बेचिंग का कि वहाँ आप हाई क्वालिटी का कंक्रीट बार बार प्रिपेयर नहीं कर सकते। उसी वजह से वॉल्यूमेट्रिक बेचिंग जो है वो आईएएस कोड अलो नहीं करता। बहुत रेयर कंडीशन जहाँ पे आप वेट बेचिंग किसी भी हालत में कर ही नहीं सकते, ऐसी कंडीशंस है वहाँ पे ही सिर्फ वॉल्यूमेट्रिक बेचिंग को परमिट किया जाता है। या आपकी जो बहुत स्मॉल वर्क है, छोटा सा वर्क है कंक्रीट का, तो वहाँ पे आप वॉल्यूमेट्रिक बेचिंग का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे क्वालिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रखती, क्वालिटी ज़्यादा मायने नहीं रखती। तो उस केस में वॉल्यूमेट्रिक बेचिंग जो है वो काफ़ी सुटेबल है। बट जहाँ पे क्वालिटी इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर, तो वहाँ पे आपको वेट बेचिंग को ही प्रेफर करना चाहिए, बिकॉज ऑफ द इट गिव्स अ वेरी हाई डिग्री ऑफ द क्वालिटी। नेक्स्ट है जो वेट बेचिंग है उसमें जो मटेरियल है वो काफ़ी एग्जैक्ट मेजरमेंट किए जाते हैं, काफ़ी अच्छे से आप एग्जैक्ट मेजरमेंट कर सकते हो। ऑन द अदर हैंड अगर वॉल्यूमेट्रिक बेचिंग रहा तो वहाँ पे काफ़ी वेरिएशन आते हैं, जैसे कि बल्किंग ऑफ सैंड रहा, मॉइस्चर कंटेंट है उसमें वेरिएशन होने की वजह से वॉल्यूमेट्रिक बेचिंग है वहाँ पे आपको उतने एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं मिलते। और अगर आपको एग्जैक्ट इन्ग्रीडियंट्स की जो क्वांटिटी नहीं मिलेगी तो आपका जो प्रपोर्शन है कंक्रीट का, जो प्रपोर्शन है कंक्रीट मिक्स का प्रपोर्शन, वो वहाँ पे इधर उधर हो जाएगा और उसकी वजह से आपका जो स्ट्रेंथ है उस पर काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट गिरेगा। तो ये इसी वजह से वॉल्यूमेट्रिक बैचिंग जो है वहाँ पे आपको कंसिस्टेंट गुड क्वालिटी कंक्रीट नहीं मिलता है, क्योंकि आपको सही से आप वहाँ पे जज ही नहीं कर पाते हो कि किस तरह से मटेरियल्स वहाँ पे किस क्वांटिटी में आ रहे हैं, राइट। तो ये रीज़न है। नेक्स्ट चीज की जो आपका वेट बेचिंग है, अभी वेट बेचिंग में क्या होता है दोस्तों, आपका जो वाटर है वो काफ़ी एग्जैक्ट क्वांटिटी में आप वहाँ पे ऐड कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से आप वहाँ पे वाटर ऐड कर सकते हो। और उसका डायरेक्टली इफेक्ट क्या गिरता है कि आपका जो वाटर सीमेंट रेशियो है उसको आप काफ़ी अच्छे से मेंटेन कर सकते हो, यूनिफॉर्मली मेंटेन कर सकते हो हर बैच के लिए। और इसी की वजह से जो आपका डिज़ायर स्ट्रेंथ है कंक्रीट की वो आप वहाँ पे बहुत अच्छे से अचीव कर सकते हो। और दूसरी तरफ अगर वॉल्यूमेट्रिक बैचिंग की बात करें तो वहाँ पे कोई ऐसा स्टैंडर्ड नहीं है, वहाँ पे कोई ऐसी स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं है वाटर को ऐड करने की। और उसी की वजह से जो वाटर सीमेंट रेशियो है वो वहाँ पे हर बैच में आप कंसिस्टेंटली इक्वल नहीं रख पाते और उसका सीधा इफेक्ट स्ट्रेंथ पे गिरता है। सो वाटर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जैसे कि आपको पता है। नेक्स्ट है कि जो वेट बेचिंग है वहाँ पे आप बड़ी आसानी से अगर कहीं पे मिस्टेक हो जाती है, कोई भी मटेरियल का आपको मेजरमेंट करने में गलती हो जाती है, या कोई बैच रहा जिसमें आपको क्वालिटी बहुत अच्छी मिली, नेक्स्ट बैच में आपको क्वालिटी में डिफरेंस नज़र आया, तो आप बड़े आसानी से डिटेक्ट कर सकते हो कि किस इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी कम या ज़्यादा हो गई और उसकी वजह से आपका कंक्रीट की जो क्वालिटी है उसमें डिफरेंस नज़र आया। बट ऑन द अदर हैंड वॉल्यूमेट्रिक बैचिंग में ये थोड़ा टीडियस हो जाता है, बिकॉज वहाँ पे क्या है कि आपके जो इंग्रेडिएंट्स है उसका कुछ स्टैंडर्ड नहीं है कि इसी तरह से उसका मेजरमेंट लिया जा रहा है। सो उसी की वजह से आप डिटेक्ट इतनी आसानी से नहीं कर सकते कि कौन से इंग्रेडिएंट्स के कम ज़्यादा होने की वजह से आपके कॉन्क्रीट की क्वालिटी में डिफरेंस नज़र आया। तो वहाँ पे ये जो प्रॉब्लम्स है, इस प्रकार की जो इनकरेक्टनेस है उसको फाइंड आउट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। सो इसलिए वॉल्यूमेट्रिक बैचिंग में काफ़ी आपको केयर रखनी पड़ती है अगर आप वॉल्यूमेट्रिक बैचिंग साइड पे यूज़ करते हो तो। नेक्स्ट है स्लम। जैसे कि आपको पता है कि वर्केबिलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट है कंक्रीट के लिए, सो उसके लिए ज़्यादातर स्लम कौन टेस्ट ही यूज़ किया जाता है।
सो वेट बचिंग में क्या होता है दोस्तों कि आपका जो वाटर सीमेंट रेशियो है वो आप अच्छे से मेंटेन कर पाते हो और उसी की वजह से आपका जो मिक्स प्रपोर्शन है वो भी राइट कंडीशन में रहेगा। सो वहाँ पे आपको स्लंप जो है वो काफ़ी हाई मिलेगा, अच्छा खासा स्लंप वहाँ पे मिलेगा। मीडियम से लेके वेरी हाई ट्रैक जो आपको स्लंप चाहिए वो आप वेट बैचिंग में बड़ी आसानी से अचीव कर सकते हो। ऑन द अदर हैंड वॉल्यूमेट्रिक बैचिंग में उतना इफेक्टिवली आप स्लंप अचीव नहीं कर सकते बिकॉज वहाँ पे वाटर सीमेंट रेशियो जो है वो आप मेंटेन नहीं कर पाते और उसी की वजह से आपका जो स्लंप है वो नॉर्मली लो से लेके हाई तक वेरी करता है, मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पे आपको वेरिएशन दिखने को मिलेगा। सो वहाँ पे जज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। सो इसलिए स्लंप जो है वो वॉल्यूमेट्रिक बैचिंग में उतना इफेक्टिव रिजल्ट नहीं दे पाता है कंपेयर टू वेट बैचिंग। नेक्स्ट है वेट बैचिंग में बात करें तो आपकी जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है वो काफ़ी हायर रहेगी कंपेयर टू वॉल्यूमेट्रिक बैचिंग। एग्जाम्पल के थ्रू बात करूँ तो सपोजिंगली आपने M20 का कॉन्क्रीट मिक्स के लिए आप कॉन्क्रीट प्रिपेयर कर रहे हो, राइट। सो उस केस में क्या होगा, जो आपकी स्ट्रेंथ रहेगी उसमें आप वन टाइम ट्राई करोगे वेट बैचिंग के थ्रू और सेकंड टाइम ट्राई करोगे वॉल्यूमेट्रिक बैचिंग के थ्रू, मतलब दोनों में जो आपका मिक्स प्रपोर्शन है वो सेम ही रहेगा बट आपकी जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है वहाँ पे आपको वेरिएशन नज़र आएगा। जो वेट बैचिंग है वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ मिलेगी और सेम अगर वॉल्यूमेट्रिक बैचिंग से वो कॉन्क्रीट मिक्स बनाया तो वहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ जो है वो आपको कम मिलेगी। रीजन सेम ही है जो हमने ऊपर डिस्कस किए उसी की वजह से यह स्ट्रेंथ में यहाँ पे डिफरेंस नज़र आता है। नेक्स्ट है एडमिक्सर। अभी वेट बैचिंग में क्या होता है कि वेट बैचिंग में आप जो मिक्सिंग प्रोसेस है बैचिंग प्रोसेस है उसमें आप एडमिक्सर कोई भी स्टेज पे ऐड कर सकते हो जहाँ पे आपको ऑप्टिमल परफॉर्मेंस मिले उसके हिसाब से आप किसी भी स्टेज पे एडमिक्सर ऐड कर सकते हो और उसी की वजह से क्या होता है कि वहाँ पे एडमिक्सर का इम्पैक्ट नहीं करता बेचिंग साइकिल पे, मतलब आपको बेचिंग साइकिल जो है उसमें उसका इफेक्ट वहाँ पे नहीं गिरता एडमिक्सर का। बट अगर वॉल्यूमेट्रिक बेचिंग में बात करें तो वहाँ पे एडमिक्सर जो है वो आप कोई भी स्टेट पे ऐड नहीं कर सकते, जो आपकी प्रॉपर प्रोसीजर है मटेरियल्स इंग्रेडिएंट्स को ऐड करने के उससे सीक्वेंस के हिसाब से ही आपको वहाँ पे इंग्रेडिएंट्स ऐड करने पड़ते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है जो एडमिक्सर है वो आपकी वॉल्यूमेट्रिक बैचिंग की जो साइकिल है उस पर इफेक्ट करता है और जो बैचिंग साइकिल है वो स्लो कर लेता है, मतलब आपका जो मिक्सिंग प्रोसेस है उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा वॉल्यूमेट्रिक बैचिंग के केस में। सो इसलिए अगर आप एडमिक्सर का यूज़ करने वाले हो आपका मिक्स प्रपोर्शन में तो वहाँ पे ध्यान रखें कि वॉल्यूमेट्रिक बैचिंग जहाँ तक हो सके ना प्रिफर करें क्योंकि उससे आपको टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम होगा और आपको क्वालिटी भी उतनी अच्छी वहाँ पे नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है जैसे कि हमने बात की ऊपर ही कि जो वेट बैचिंग है वहाँ पे आप बहुत अच्छे से यूनिफॉर्म और कंसिस्टेंट क्वालिटी अचीव कर सकते हो और वॉल्यूमेट्रिक बैचिंग में वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है कि हर बैच में आप प्रॉपरली कंसिस्टेंट क्वालिटी मेंटेन करके रखो। तो जहाँ पे क्वालिटी का सवाल आता है वहाँ पे मैं भी यही कहूँगा कि आपको वेट बैचिंग ही प्रिफर करना चाहिए, वॉल्यूमेट्रिक बैचिंग प्रिपेयर वॉल्यूमेट्रिक बैचिंग की तरफ आपको जाना ही नहीं चाहिए। वहाँ पे जहाँ पे आपको क्वालिटी कोई ज़्यादा मायने नहीं रखती वहाँ आप वॉल्यूमेट्रिक बैचिंग का प्रेफरेंस ले सकते हो जैसे कि स्मॉल वर्क रहते हैं उसके लिए, ऐसा क्यों वो भी हम आगे देखेंगे। और अभी तक आपको मालूम पड़ ही गया होगा कि जो वेट बैचिंग है वो काफ़ी प्रिसाइज मेथड है कोई भी एंगल से देखा जाए, चाहे मिक्सिंग के हिसाब से इंग्रेडिएंट्स के लेके या स्ट्रेंथ के क्राइटेरिया के लेके सभी तरह से वो काफ़ी प्रिसाइज मेथड है और वॉल्यूमेट्रिक बैचिंग लेस प्रिसाइज मेथड है। बात करें लेबर्स की तो वेट बैचिंग के लिए आपको ऑब्वियसली स्किल लेबर चाहिए बिकॉज जो उसकी मशीनरी है उस वो प्योरली कंप्यूटर से हैंडल किया जाता है, मतलब वहाँ पे जो प्रोग्रामिंग होती है जो इसका पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर होता है
उसके बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। लेबर्स को किस तरह से मिक्स होता है, किस प्रकार से वो मशीनरी अफेक्ट करती है क्वालिटी पे, वो भी आपको लेबर्स को पता होना चाहिए। सो वहाँ पे आपको प्योरली स्किल्ड लेबर चाहिए जिसको उस मशीनरी के बारे में अच्छे से नॉलेज है, वही उस मशीनरी से वेट बेचिंग कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको स्किल लेबर चाहिए। बट अगर बात करें वॉल्यूमेट्रिक बैचिंग की, तो वहाँ पे किसी भी प्रकार की स्किल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कोई मशीनरी आपको ऑपरेट नहीं करनी, जस्ट आपको प्रॉपरली इंग्रेडिएंट्स की सीक्वेंस में ऐड करना है, वही आपको लेबर्स को पता होना चाहिए, जो नॉर्मली किसी भी कंक्रीट वर्क करने वाले लेबर्स को पता ही होता है। सो वहाँ पे आपको स्किल लेबर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जैसे कि वेट बैचिंग है वो मशीनरीज के थ्रू होता है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे आप अच्छी कंस्ट्रक्शन स्पीड अचीव कर सकते हो। कंक्रीटिंग वर्क जो है वो आपका काफ़ी फास्ट वहाँ पे आप कर सकते हो कंपेयर टू वॉल्यूमेट्रिक बैचिंग। और वॉल्यूमेट्रिक बैचिंग जो नॉर्मली मैन्युअली की जाती है, सो इसलिए वहाँ पे जो स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो उतना फास्ट नहीं होता कंपेयर टू वेट बैचिंग। वहाँ पे आपकी प्रोसेस है वो थोड़ी स्लो हो जाती है बिकॉज ऑफ द वेरियस रीजंस। और ऑब्वियसली अगर आप वेट बैचिंग की तरफ जाते हो तो वहाँ पे आपको मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी हाई रहेगी। मीन्स अभी आपका बहुत बड़ा वर्क है, सपोजिंगली बहुत ज़्यादा आपको बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करने हैं जहाँ पे आपका कंक्रीट की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा लगने वाली है, तो उस केस में क्या होगा, आपकी मशीनरीज काफ़ी ज़्यादा मेंटेनेंस वहाँ पे मांग लेती है, काफ़ी ज़्यादा आपको वहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो उस हिसाब से देखें तो वेट बैचिंग थोड़ा एक्सपेंसिव है बिकॉज ऑफ द हाई मेंटेनेंस कॉस्ट। ऑन द अदर हैंड वॉल्यूमेट्रिक बैचिंग जो है वो प्रैक्टिकली वहाँ पे कोई मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वहाँ पे आपको कोई मशीनरी यूज़ नहीं करनी, जो साइड पे आपके इक्विपमेंट्स है, साइड पे आपके जो टूल्स है, उसी की मदद से आप वॉल्यूमेट्रिक बैचिंग करते हो, तो वहाँ पे आपको कोई मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। जस्ट ओनली जो आपके टूल्स है वो ख़राब हो जाते हैं तो सिंपली उसको रिप्लेस करना होता है, जो कोई इतनी ज़्यादा महंगे नहीं रहते हैं, तो वो कंपेयर टू लेस वहाँ पे एक्सपेंसिव है। सो वही यहाँ पे कि वेट बैचिंग एक्सपेंसिव है बिकॉज ऑफ द हाई मेंटेनेंस कॉस्ट एंड मशीनरीज, एंड वॉल्यूमेट्रिक बैचिंग उसके हिसाब से काफ़ी चीपर है और काफ़ी इकोनॉमिकल वो बैचिंग प्रोसेस है। सो यही चीज़ थी कि क्या वॉल्यूमेट्रिक बैचिंग और वेट बैचिंग के बीच में, कि आपका जो वर्क है उस पर डिपेंड करता है कि आपको किस प्रकार का बैचिंग प्रोसेस अडॉप्ट करना है। अगर आपको क्वालिटी बहुत अच्छी चाहिए, क्वालिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट रखती है आपके प्रोजेक्ट के लिए, आपका जो प्रोजेक्ट है वो काफ़ी बड़ी मात्रा में वहाँ पे आपको कंक्रीट की क्वांटिटी यूज़ होने वाली है, तो वहाँ पे आपको वेट बैचिंग की तरफ ही जाना चाहिए। बट अगर आपके बहुत स्मॉल वर्क है, छोटे छोटे से काम है, कंक्रीट का कुछ ज़्यादा उसकी क्वालिटी इफेक्ट नहीं करने वाली है, तो वहाँ पे आप वॉल्यूमेट्रिक बैचिंग का यूज़ करके भी कंक्रीटिंग वर्क कर सकते हो। सो डिपेंड करता है प्योरली आपकी साइट कंडीशंस एंड रिक्वायरमेंट के ऊपर कि आप किस प्रकार की बैचिंग प्रोसेस वहाँ पे यूज़ कर रहे हो। तो ये था दोस्तों डिफरेंस दोनों के बीच का, होप आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, साथ में अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन भी दबा दीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो की अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।